हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। RWS गुरु डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, GS का डेली जो आपको सुबह 6 बजे की क्लास आपको मिल चुकी होगी, और मुझे आशा है कि वो क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो महासंग्राम के टॉप 10 क्वेश्चन में स्वागत है आपका। आज प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर हमारा सेकेंड है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? तो आपको पता होगा कि भारत रत्न सबसे सर्वोच्च है, और भारत रत्न आपको पता होगा कितने व्यक्ति को मिल चुका है अभी तक। और आपको बता दूं, इसके बाद, क्योंकि सेकंड भी पूछा जा सकता है, भारत रत्न के बाद कौन सा जो है सर्वोच्च है, तो आपको पता होगा पद्म विभूषण जो है सेकेंड नंबर पर आता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि सेकेंड जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? देखिए, प्रथम महिला विश्व कप हुआ था तो वो कब खेला गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जो है कमेंट में बता सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन पता है तो। 5 सेकंड का समय मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको दूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगी आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा 1973 में जो है प्रथम महिला विश्व कप खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 5 सेकंड है आपके पास देने के लिए। तो भारतीय कंट्रोल बोर्ड जो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में BCCI का हेड मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम नियोजित बहुउद्देश्य नदी जो घाटी परियोजना है वो किस देश में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा इसका आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका में बहुउद्देश्य नदी घाटी जो परियोजना है वो पूछा जा सकता है किस देश में है, तो अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा हटके भी पूछा गया है। तो कानून दिवस जो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद का प्राचीन नाम या पुराना नाम कौन सा है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है और अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है, दोनों में से पूछा जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कर्णावती जो है अहमदाबाद का प्राचीन नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार देश की संसद का क्या नाम है? देखिए, संसदों से सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, किस देश की कौन सी संसद है? तो आप ये जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप एक बार नजर मार लीजिएगा कि कौन से देश की कौन सी संसद है। तो म्यांमार देश की संसद, हालांकि मैं आपको इसमें सारी ही संसद कवर करा दूंगा, जो क्वेश्चन आपके मैं लेता रहूंगा तो सारे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं सारे यहाँ पर कवर करा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पियूथु हुताओ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि म्यांमार देश की जो संसद का नाम है वो पियूथु हुताओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता स्थल किसकी समाधि है? देखिए समाधि स्थल भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार समाधि स्थलों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर समाधि स्थल से क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम की जो है समता स्थल समाधि है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है जो? तो आपका सही इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पे सही होने वाला है सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्राकृतिक में। चलिए अगला चलते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कुर्नूल किस नदी के किनारे बसा है? देखिए कुर्नूल किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता होगा सही आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्टेड मैं आपको लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।